मिस्र के गीजा में आतंकी हमले के दौरान 3 सैलानी और एक गाइड की मौत का बदला ले लिया। 40 आतंकियों को मौत के घाट उतारकर मिस्र ने उनके अंदर डर पैदा कर दिया। मिस्र पुलिस ने आतंकियों को मारने के लिए अलग अलग अभियान चलाए। गीजा में 2 जगहों पर पुलिस की कार्रवाई में 30 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि अशांत उत्तरी सिनाई में ऑपरेशन के दौरान 10 आतंकी मार गिराए गए। बताया गया है ये आतंकी मिस्र में पर्यटन स्थलों और चर्चों पर सीरियल ब्लास्ट की योजना तैयार कर रहे थे। बता दें कि शुक्रवार को गीजा में सैलानियों की एक बस सड़क किनारे हुए बम धमाके की चपेट में आ गई थी। धमाके में वियतनाम के 3 सैलानियों और एक गाइड की मौत हो गई थी। ये सभी काहिरा के बाहर गीजा की पिरामिडों के पास यात्रा कर रहे थे। पिरामिड में होने वाले साउंड और लाइट शो देखने के लिए सैलानी बस में सवार होकर निकले थे। पिछले एक साल में मिस्र के अंदर सैलानियों पर यह पहला आतंकी हमला है।